गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम रौनक गर्ग, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RPSC स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपको दक्षिण अमेरिका के मैप के बारे में समझाने जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दक्षिण अमेरिका का कॉन्टिनेंटल मैप ही क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जो दक्षिण अमेरिका का मैप है ये सबसे आसान सबसे ईजी पॉलिटिकल मैप है, जिसकी कंट्री को अपन क्लॉकवाइज तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें टोटल 13 कंट्री है। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ से शुरुआत करनी है। ये देखिए, ये दिख रहा है फ्रेंड्स, गुयाना। देखिए गुयाना फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर सूरीनाम, और फिर ये सबसे छोटा देश है, दूसरा देश है फ्रेंच गुयाना। इसका दूसरा नाम फ्रांस भी है, पर ये वो वाला फ्रांस नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। ओके, इसके बाद पराग्वे, ये देखो पराग्वे, ये वाला। इसके बाद उरुग्वे, ये देखो उरुग्वे। आफ्टर दैट अर्जेंटीना, ये देखिए अर्जेंटीना। फिर ये वाला चिली, फिर बोलिविया, पेरू। एक बार तो अपन सिर्फ देख ही लेते हैं। ये देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ओके, अब काउंट कर लेते हैं, 13 देश हैं। फर्स्ट वन, एक सेकेंड, वन गुयाना, सेकेंड सूरीनाम ये वाला, थर्ड फ्रेंच गुयाना, फोर ब्राज़ील, फिफ्थ पराग्वे, सिक्स उरुग्वे, सेवन्थ अर्जेंटीना, एट चिली, नाइन्थ बोलिविया, टेन पेरू, इलेवन इक्वाडोर, ट्वेल्व कोलंबिया, थर्टीन वेनेजुएला। ओके, अब ये पूरे 13 देश हैं। अब इसके बाद अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। अपन को ये तीन बार रिवाइज करना है क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज चल रहा है ना ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तरीके से चलना है ऐसे। यू ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन को क्लॉकवाइज चलना है गुयाना से। गुयाना सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। ऐसे अपन को फास्ट करना है। गुयाना सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। ओके, अब अपन बात करते हैं इसकी थोड़ी सी विशेषता की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ब्राज़ील, यहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है, जिसे फेजेंडास के नाम से जाना जाता है। फेजेंडास, कॉफ़ी की खेती की जाती है जिसे फेजेंडास के नाम से जाना जाता है। ये कॉफ़ी के बगान होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े। ओके, अब इसके बाद ये बोलिविया है, बोलिविया की राजधानी है, बोलिविया की राजधानी है लापाज, लापाज जो ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी राजधानी, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूँ ब्राज़ील। ब्राज़ील इस कॉन्टिनेंटल का एकमात्र देश है, एकमात्र देश है जिसकी सीमा 13 में से 11 कंट्री तक लगती है। ये देखो ये वाली सीमा 11 कंट्री तक लगती है। अब आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, दो कंट्री पे नहीं लग रही होगी। एक तो ये है चिली, ये है चिली, चिली ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला, और एक है इक्वाडोर, इक्वाडोर। ओके, अब मैं बात करता हूँ चिली। चिली में एक चीज़ है, आई थिंक पता है कि नहीं आपको, यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, और ये है प्रशांत महासागर। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इस रेगिस्तान के बारे में बताने की क्या खासियत है। यह है दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम रेगिस्तान है, जहाँ पर बारिश नहीं होती। अब इसकी एक विशेषता हो रहा है कि यह एकमात्र ऐसा रेगिस्तान है जो समुद्र के पास है, जो कहाँ पे है, समुद्र के पास। और समुद्र के पास होने पर ही ये इसकी विशेषता है कि एकमात्र ऐसा रेगिस्तान जो समुद्र के पास है फिर भी सबसे शुष्क है। ओके, अब बात करता हूँ मैं, ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि ब्राज़ील, ब्राज़ील में एक विशेषता दिख रही है, इसको गौर से देखिए ब्राज़ील को। इस महाद्वीप का ये एकमात्र देश है जिसको विषुवत रेखा भी काट रही है और मकर रेखा भी काट रही है। ओके,
विषुवत रेखा भी काट रही है और मकर रेखा भी काट रही है। तो ये तो थी कुछ विशेषताएं। अब एक विशेषता है उरुग्वे की। अब आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स उरुग्वे, ये वाला उरुग्वे, उरुग्वे आपको दिख रहा होगा एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय नहीं है। ना तो इसे विषुवत रेखा काट रही, ना इसे मकर रेखा काट रही, और ना ये कर्क रेखा में, तो ये उनसे नीचे है। तो ये एकमात्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से नहीं आता इस कॉन्टिनेंटल में। बाकी सभी देश उष्णकटिबंधीय कॉन्टिनेंटल में आते हैं सिवाय इनके, वेनेजुएला के, गुयाना के, सूरीनाम के और फ्रेंच गुयाना का, पर ये पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय नहीं है। अब बात करता हूँ मैं वेनेजुएला की। आई थिंक ये पता होगा कि वेनेजुएला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजेलो, एंजेलो जलप्रपात। यह दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ओके, अब मैं बात करूं कि विषुवत रेखा को कौन कौन से देश काट रहे हैं। तो देखो, एक तो इक्वाडोर को काट रही है, एक कोलंबिया काट रही है, और एक ब्राज़ील। तो ये तीन देश ऐसे हैं जो विषुवत रेखा को काट रहे हैं इस कॉन्टिनेंटल में। ओके, अब बात करता हूँ मकर रेखा की। तो मकर रेखा को कौन कौन काट रहा है, एक तो चिली, एक अर्जेंटीना, एक पराग्वे और एक ब्राज़ील। तो ये चार देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ओके, अब फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और कोई आपको डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको यहाँ की जिले नदियों के बारे में भी पूछना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।